कोरोना के दौर में सामाजिक संस्थाओं ने लगातार आगे बढ़कर लोगों की मदद की है। इनर व्हील क्लब ऑफ शिमला भी सामाजिक कार्यों में आगे आया है। क्लब ने आज शिमला के रिज मैदान में DDO अस्पताल के साथ मिलकर रक्त की कमी को दूर करने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें क्लब के सदस्यों के साथ पर्यटकों ने भी खून दान किया। इनर व्हील क्लब ऑफ शिमला की सचिव डॉक्टर शालिनी डडवाल ने बताया कि अस्पतालों में अक्सर रक्त की कमी रहती है, जिसे देखते हुए क्लब ने आज DDO अस्पताल के साथ मिलकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, ताकि किसी व्यक्ति का जीवन बचाया जा सके। वहीं क्लब ने 40 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा है। लोग आगे आकर रक्तदान में भाग ले रहे हैं। केनविल बहुत सोशल वर्क करता है एंड उसके लिए तरह तरह के प्रोजेक्ट्स मतलब कि हम लोग अंडरटेक करते हैं। सो आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया है अलॉन्ग विद दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के डॉक्टर्स के साथ, एंड हमारा टारगेट है कि हम खूब ब्लड कलेक्ट करके एंड ब्लड बैंक में डिपॉजिट कर सके, बिकॉज हमारी जानकारी के मुताबिक इस टाइम ब्लड बैंक में ब्लड की बहुत कमी है। तो इसलिए हमने सोचा कि इस टाइम ये कैंप ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए आज हम इधर इकट्ठे हुए हैं फॉर दिस एक्टिविटी। सो अभी क्योंकि दिन शुरू ही हुआ है, तो अभी जो मेरी जानकारी के मुताबिक अभी हम मतलब के ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर हमारा टारगेट रहेगा कि एटलीस्ट हम 40 यूनिट्स तक ब्लड आज कलेक्ट करवा के मतलब के अपना कंट्रीब्यूशन करवा सके। तो हमारे मेंबर्स, उनके रिश्तेदार, उनकी फैमिली मेंबर्स, हमने बहुत वर्ड स्प्रेड किया है, तो होपफुली बहुत से लोग आगे आके आज अपना खून का दान कर पाएंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।